जो इजराइल के साथ खड़ा है हम उसका साथ देंगे, जो हमास के खड़ा है उसको हम लोग रेलने में कतई तनिक भी शर्म नहीं लगाएंगे और देर नहीं लगाएंगे। हमास के खिलाफ अगर युद्ध करना पड़े तो हमारा संगठन तत्पर है युद्ध करने के लिए। अब यही तो शर्म की बात है ना कि हमास के लोगों ने इजराइल की महिलाओं के साथ जो किया है इसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है, लेकिन बस एक कौम के नाते लोग हमास का साथ दे रहे हैं। किसी महिला को दिया जा रहा है, किसी महिला को दिया जा रहा है, उस समय इनकी बोली नहीं निकलती। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ भारत में, लोग खाते हैं भारत का और गाते हैं हमास जैसे लोगों का, पाकिस्तान जैसे लोगों का, लेकिन योगी जी का डंटा वहाँ चलेगा इतना जान जाइए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और लगातार भारत के लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हट रहे। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट है। आप किसके साइड है, हमास या फिर इजराइल? भारत जिसके साथ है हम उसके साथ है। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ ये पूरा भारत वर्ष खड़ा है, और इजराइल के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। हमास जैसे आतंकी संगठन को हम लोग कभी साथ नहीं दे सकते हैं। बस केवल मुसलमान के नाम पे AIMM का अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान के होने के चलते कह रहा है कि हम उस संगठन का साथ देंगे, और हमास में हो रहे आतंकी संगठन का विरोध करते हुए मुसलमानों के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। जबकि हमास एक ऐसा आतंकी संगठन है जो दूसरे देश के ऊपर पीठ पीछे वार करने का काम करता है, और इस वार का करारा जवाब इजराइल ने दिया है। और हम इजराइल के जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ हमारा संगठन खड़ा है, हम खड़े हैं, और भारत के 125 करोड़ देशवासी जो सच्चे भारतीय वो खड़े हैं। जैसे आप बोले आप इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों का बात करें तो अभी भी हमास के सपोर्ट में है। तो आप PFI जैसे लोगों को क्या कहेंगे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उसको क्या कहेंगे? टेररिस्ट को जो लोग बढ़ावा देते हैं वो हमास के जैसे लोगों का ही साथ दे सकते हैं, आतंकी संगठन का ही साथ दे सकते हैं, वो इंसानियत के ऊपर नहीं जाते हैं और मुसलमान के नाम पे किसी का मदद करते हैं। ये कमी है, ये भारत में रह करके भारत को तोड़ने का कमी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए आप, वहां नारे लगाए जाते हैं हमास के फेवर में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन योगी जी का डंटा वहां चलेगा इतना जान जाइए। पूरा विश्वास है। बिल्कुल वैसा ही भारत के हर कोने कोने में चाहिए। और एक टी राजा है हैदराबाद में जो AIMM के अध्यक्ष की बजा करके रखते हैं, वैसे वैसे योद्धाओं की जरूरत है भारत में। जो इजराइल के साथ खड़ा है हम उसका साथ देंगे, जो हमास के खड़ा है उसको हम लोग रेलने में कतई तनिक भी शर्म नहीं लगाएंगे और देर नहीं लगाएंगे। मणिपुर से जो एक घटना पिछले बार सामने आई थी जिसके बाद बहुत बवाल भी हुआ था भारत में, लेकिन ठीक हमास से भी और इजराइल से भी वैसी ही घटना सामने आ रही है, लेकिन जो भी मुस्लिम संगठन लोग हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मणिपुर घटना से हम लोग को संवेदना नहीं था, सारे भारतवासियों को संवेदना था, लेकिन इजराइल की जो घटना हुई है और जो हमास ने ये काम किया है, पीठ पीछे वार करने वाला वैसे भी आतंकी संगठनों का काम होता है, तो उन्होंने ऐसा काम किया है तो हम लोग कभी भी वैसे लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं। और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे, खालिस्तान जैसे संगठन का बढ़ावा दे, हमास जैसे संगठन का बढ़ावा दे, PFI जैसे संगठन का बढ़ावा दे, ऐसे संगठनों का कभी हम लोग साथ नहीं दे सकते हैं, चाहे उस पंथ में कोई भी लोग रहे, चाहे वो सनातनी ही कोई। हमारे बीच में ही तो बहुत सारे जयचंद लोग हैं जो साथ देते हैं, बहुत ऐसे जयचंद हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हमास का साथ दे रहे हैं, तो हम कभी वैसे लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं। हमास के खिलाफ अगर युद्ध करना पड़े तो हमारा संगठन तत्पर है युद्ध करने के लिए। मतलब आप लोग युद्ध करने के लिए तैयार? बिल्कुल, हमें देखिए कहा गया है ना कि आप जब जवानी के उम्र में जाते हैं तो आपको हर चीज सिखाया जाता है, चाहे वो डंडा चलाना सिखाया जाए या हस्त कला से जो भी सिखाया जाए वो हम लोग जानते हैं। अगर युद्ध जैसे करना पड़ेगा हम युद्ध के लिए आतुर रहेंगे। अच्छा, जब भी कहीं युद्ध होता है या फिर कोई भी घटना होती है तो महिला को ही टारगेट क्यों किया जाता है, महिलाओं के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जाता है, उन्हें कभी नंगा कराया जाता है फिर? यही तो शर्म की बात है ना कि हमास के लोगों ने इजराइल की महिलाओं के साथ जो किया है इसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है, लेकिन बस एक कौम के नाते लोग हमास का साथ दे रहे हैं। किसी महिला को निर्देश दिया जा रहा है, किसी महिला को काट दिया जा रहा है, उस समय इनकी बोली नहीं निकलती। ये धिक्कार योग्य बात है। और ऐसे लोग कुरीति लोग हैं जो कुरीति का साथ देते हैं, गलत कामों का साथ देते हैं, अच्छे कर्तव्य को ये लोग कभी आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, और गलत का साथ देकर के ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। PFI जैसा संगठन इतना भारत में हावी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ भारत में, लोग खाते हैं भारत का और गाते हैं हमास जैसे लोगों का, पाकिस्तान जैसे लोगों का, अफगानिस्तान जैसे लोगों का गाते हैं। मतलब तो क्या भारत के लोग ही चाहते हैं कि मतलब हमास जैसे लोग भारत में भी आए? देख लीजिए ना, नारा तो लग रहा है ना, भारत में ही नारा लग रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, हमास का जय जयकार किया जा रहा है।
और इजराइल को निशोनाबूद करने की बात की जा रही है, ये कहां तक सही है? सत्ता में बैठे सरकार क्या फिर कर रहे हैं? सत्ता का सरकार इजराइल के साथ खड़ा है, भारत के प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों का आवाज बन करके इजराइल के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है।